दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है उसमें सीएमए इंस्टीट्यूट ने कुछ बिट क्वेश्चंस की बुकलेट इश्यू करी हुई है वो तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बुकलेट अगर आपको चाहिए तो आप www.icmai.in पे वेबसाइट पे जाके सीएमए की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके की डाउनलोडिंग वगैरह में प्रॉब्लम आती है आप हमसे भी इसकी डिमांड कर सकते हो यह बुकलेट इश्यू किसने की है आईसीएमआई इंस्टीट्यूट ने इश्यू करी है पेपर नंबर एट कॉस्ट काउंटिंग से रिलेटेड और इसको नाम दिया इन्होंने बिट क्वेश्चन बिट क्वेश्चन का मतलब है यहां पर इसके अंदर आपको एमसीक्यू क्यू द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग देखने को मिलेंगे बिट क्वेश्चन का मतलब है छोटे क्वेश्चंस कि ये अपने एग्जाम में एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स इस फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं इसके अंदर टोटेलिटी में काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कई पार्ट्स में आपको यहां पे कंप्लीट करवाऊंगा और आज का जो टारगेट है मेरा आज का जो मेरा टारगेट है वो है पहले फर्स्ट तो 50 क्यू क्वेश्चन है वो कवर करवाना टोटेलिटी में अगर मैं बात करूं तो टोटेलिटी में यहां पे एमसी क्यूज गिवन है हमारे पास 164 के अराउंड एमसी क्यूज देखने को मिलेंगे इस बुकलेट के अंदर आपको टोटेलिटी में 164 सिक्सटी फोर क्यू देखने को मिलेंगे राइट आज मैं आपको यहां पे फर्स्ट जो 50 एम सी क्यू है वो यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अफकोर्स देखो ये जो एनसी हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग के पूरे के पूरे सिलेबस से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ये एमसीक्यूज आप तब करोगे तब बेनिफिट होगा जब आप पूरा का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर चुके होंगे क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस अगर आपको रिवाइज नहीं है तो आपके लिए ये आइडिया लगाना भी काफी मुश्किल हो सकता है कि सर मैं ये जो एमसीक्यू कर रहा हूं ये कौन से चैप्टर से है और इसका आंसर क्या होगा तो इन एमसी को करना जरूरी तो इसलिए कि एग्जाम में वेटेज अच्छी खासी अपने को मिल जाती है लेकिन करने का फायदा तभी है जब आप अपना पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर चुके हो क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर वन इन प्रोसेस कन्वर्जन कॉस्ट मीन देखो कन्वर्जन कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो आप स्टडी नोट नंबर वन जब हम थियोरिटिकल पढ़ते हैं वहीं पे आपको कन्वर्जन कॉस्ट देखने को मिल जाता है कन्वर्जन कॉस्ट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है रो मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चे लगते हैं दैट इज नॉन एज कन्वर्जन कॉस्ट और उसके अंदर डायरेक्ट लेबर कवर होता है डायरेक्ट अदर एक्सपेंस आप कवर कर सकते हो और उसके अंदर आप फैक्ट्री ओवरहेड कवर कर सकते हो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट अदर एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे हम उसमें कवर कर सकते हैं ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस कन्वर्जन कॉस्ट में कभी भी डायरेक्ट मटेरियल कवर नहीं होता डायरेक्ट लेबर कवर हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस कवर हो सकता है बट डायरेक्ट मटेरियल कवर नहीं होता तो ए तो आंसर नहीं होगा बी डायरेक्ट लेबर हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंस सर कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर भी कवर होता है डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है फैक्ट्री ओवरहेड भी होता है और फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल भी कवर होता है इनडायरेक्ट लेबर भी होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है पी जो है वो करेक्ट आंसर है सी अगर मैं पढ़ता हूं तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड सर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड एड कर देते हैं तो वो तो फैक्ट्री कॉस्ट बन जाता है और ओल कॉस्ट अप टू द प्रोडक्ट रीचिंग द कंज्यूमर कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते तो एडमिन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड काफी सारे खर्चे आ जाते हैं जो कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट नहीं होता फाइनल आंसर की बात करूं तो इन प्रोसेस कन्वर्जन कॉस्ट डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फाइनल आंसर आपका होगा बी इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है और वो आप तभी कर पाओगे जब आपने रिवीजन कर लिया होगा सेकंड एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी लेवल द फॉलोविंग इज ट्रू ई क्यू की डेफिनेशन अगर मैं आपको याद कराऊं तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी हमें यह बताता है कि एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी परचेज करके लाऊ ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आए सर कौन सी कॉस्ट तो कॉस्ट होती है टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट इसका जो समप है वो कम से कम आए इंडिविजुअली दोनों नहीं इसका जो एडिशन है टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट इसका समअप करें एडिशन करें तो वो कॉस्ट मिनिमम आए और साथ में EOQ की स्पेशलिटी ये भी है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लेवल पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट इक्वल भी आपको हमेशा देखने को मिलती है ऑप्शन ए है ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम सर ऐसा तो जरूरी नहीं है कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम ऐसा भी जरूरी नहीं है इन दोनों का एडिशन जरूर मिनिमम होता है होता है ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है डिस्काउंट के केस में आप देखते हो purchase price आपका हो आपका ज्यादा भी सकता है और कम भी हो सकता है परचेज प्राइस मिनिमम ऐसा जरूरी नहीं है डिस्काउंट में और भी आपको कम देखने को मिल जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल सेकेंड पॉइंट का आंसर है सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हेन ए डायरेक्ट वर्कर इज पेड ऑन ए मंथली सैलरी बेसिस कहते मान लो एक डायरेक्ट वर्कर है और उसको आप मंथली बेसिस पे फिक्स्ड सैलरी पे कर रहे हो मतलब एक वर्कर है डायरेक्ट वर्कर आपने उसको बोल दिया से एग्जांपल बीस हजार रुपए पर मंथ कि हम आपको बीस हजार रुपए पर मंथ देंगे तो बीस हजार रुपए पर मंथ ही देंगे सिंपल सी बात है तो फॉलोइंग इज ट्रू चार स्टेटमेंट गिवन है हमें बताना इसमें से कौन सा ठीक है कहते हैं देयर इज नो आइडल टाइम लॉस्ट बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है देयर इज नो आइडल टाइम लॉस्ट नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है कहते हैं आइडल टाइम लॉस्ट नहीं होगा सर बिल्कुल हो सकता है आइडल टाइम क्यों नहीं लॉस होगा ऐसा तोड़ने की वर्कर अगर फिक्स बेसिस पे है तो आप उसको अगर बीस हजार रुपए पर मंथ ही पे कर रहे हो तो वो खाली नहीं बैठेगा खाली बैठ सकता है। तो टाइम तो हो सकता है है तो तो आइडल आइडल टाइम टाइम लॉस्ट हो देयर इज इज नो कॉस्ट दिस द ट्रू ध्यान से बहुत ध्यान से पढ़ना है मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया पहले और दूसरे में देयर इज नो आइडल टाइम लॉस्ट कहते हैं आइडल टाइम लॉस्ट नहीं होता मतलब टाइम खराब नहीं होता तो टाइम क्यों नहीं खराब हो सकता अगर आप बंदे को आपने फिक्स्ड बेसिस पे मंथली सैलरी पे कर रहे हो तो क्या वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता सर बिल्कुल कर सकता है लेकिन कोई आइडल टाइम कॉस्ट नहीं होती क्यों नहीं होती सर क्योंकि आपको तो उसको बीस हजार रुपए ही पे करने हैं तो कि फिक्स है मतलब वो खाली बैठे काम करे कुछ भी हो आपको तो बीस हजार रुपए इन इनकेस देना ही देना था तो आइडल टाइम मतलब वो खाली बैठा है उसके लिए मुझे अलग से कोई कॉस्ट इनकम नहीं करनी पड़ रही बीस हजार रुपए उसकी सैलरी क्या है फिक्स है जबकि यही अगर मैं कहूं कि मंथली नहीं होकर उसको आवरली बेसिस पे आप पे कर रहे होते और मान लो दस बजे से लेकर छह बजे तक वो अपने फैक्ट्री में बैठा हुआ है और दो घंटे वो किसी वजह से काम नहीं कर रहा हमारी गलती मान लो पावर फेलियर हो गया इस वजह से उन दो घंटों के लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ता है अलग से उन दो घंटों के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है छह घंटे बंदे ने काम करा दो घंटे खाली बैठा फिर भी आपको छ प्लस दो आठ घंटों के लिए पे करना पड़ता है लेकिन फिक्स्ड है तो उसके लिए आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करना तो फाइनल आंसर तो बी ही होगा बाकी भी ऑप्शन पढ़ देता हूं आइडल टाइम कॉस्ट इज सेपरेटेड एंड ट्रीटेड एज सर ऐसा नहीं है अगर डायरेक्ट वर्कर है तो आइडल टाइम की कॉस्ट भी डायरेक्ट वेजिस का ही पार्ट होती है द सैलरी इज फुल्ली ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट नहीं सर ऐसा भी नहीं है डायरेक्ट वर्कर है तो आप पूरी की पूरी सैलरी को ओवरहेड में कैसे डाल सकते हो उसकी वेजेस तो डायरेक्ट वेजेस कहलाएगी फाइनल आंसर होगा थर्ड का बी अगर एक वर्कर जो कि डायरेक्ट नेचर का है फिक्स्ड आप उसको मंथली सैलरी पे करते हो तो इस सिचुएशन में आइडल टाइम कॉस्ट आपकी नहीं होती बीस हजार रुपए आपको डायरेक्ट वेजेस में ही फिक्स्ड हर महीने शो करते हुए चलना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कौन सा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का और जब हम 10 पढ़ते हैं तो वहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस के काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं यहां पे चार एग्जाम्पल्स गिवन है और हमें यह बताना है इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल है वो भी एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन पॉइंट नंबर ए स्पेशल रो मटीरियल विच इज ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट सर वो डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं वो रो मटीरियल में ही कवर होता है so, तो सी एस टेन के अकॉर्डिंगली नहीं लिखा हुआ एक्सपेंसिस एग्जाम्पल्स को पढ़ता हूं तो वहां पर स्पेसिफिकली डायरेक्ट एक्सपेंसिस में ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू साइट लिखा हुआ है तो so, बी आपका फाइनल आंसर होगा बट आगे के ऑप्शन भी पढ़ देता हूँ टू डायरेक्ट वर्कर टू कंप्लीट वर्क बिफोर टाइम ऐसा भी कहीं सी एस टेन में नहीं है कैटेलॉग ऑफ प्राइसेज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट सर ऐसा भी सीएस टेन में नहीं है तो सी एस टेन अगर आप हाँ धान से रिवाइज करेंगे तो वहां पर ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का फाइनल आंसर होगा बी ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू साइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग्रीटेड एज ए मैन्युफैक्चरिंग ओवर पढ़ते हैं तो हम वहां तो हमें मैन्युफेक्चरिंग ओवर है कि इनमें पार्ट नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग ओवर में कवर होता है कॉटन वेस्ट भी manufacturing overhead में ओवर होता है नाइट शिफ्ट अलाउेंस पेड टू ए फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर अब यहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और फाइनल आंसर दे देते हैं सी लेकिन इस सी का मतलब समझो पहले क्या है सी का मतलब है अपोर्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को बांट देना और जब बांटने की बात आती है तो मैं बताऊं तो एडमिन ओवर को दो जगह बांटा जा सकता है सर इट मे भी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनुफेक्चरिंग ओवर हेड इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर लेकिन अपोर्शन तो तो एडमिन हो सकता है तो सर यहां पे स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं तो अपोर्शन मानूंगा मैन्युफैक्चरिंग ओवर में कि अगर एडमिन ओवरहेड मैन्युफेक्चरिंग ओवर में बांटा जाता है क्या वो मैन्युफेक्चरिंग ओवर पार्ट नहीं होता सर होता है बिल्कुल होता है तो सी जो है

जनरल वर्क प्रेशर है और अगर जनरल वर्क प्रेशर की वजह से नाइट शिफ्ट अलाउेंस पे किया जाता है दिस इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस दिस इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस अकॉर्डिंगली इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्वेश्चन ने कहा कौन सा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट नहीं है तो डी जो है नाइट शिफ्ट अलावेंस पेड टू ए फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर इट इज नॉट पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंसंट्रेट करना है थोड़ा सा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर गलत कर देते हैं सी कर देते हैं जो कि गलत हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स वेन यू अटेम्प्ट ए रिकॉन्सिलियशन ऑफ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट क्वेश्चन को पढ़ते ही आइडिया लग गया आपको सर रिकॉन्सिलियशन का क्वेश्चन है कहते हैं हम रिकॉन्सिलियशन कर रहे हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट का द फॉलोइंग इज डन तो इसमें से क्या ठीक है मतलब क्या हम करते हैं जब हम रिकॉन्सिलियन करते हैं तो द फॉलोइंग इज डन हम इसमें से क्या करते हैं एक कहता है एड द अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको अंडर ऑब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है कहते हम उसको एड करते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ध्यान देना थोड़ा सा हम जब रिकॉन्सिलेशन पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से और जब हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं तो अंडर ऑब्जॉर्प्शन माइनस होता है अगर मैं यही कहूं कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये कहते हैं इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट तो उस सिचुएशन में अंडर एबजॉप्शन प्लस होगा तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है लेकिन मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने यहां पे गलत फॉर्म किया है कैसे और ऑप्शन भी पढ़ता हूं ये तो बिल्कुल ठीक है सर अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट करता हूं ऊपर से तो अंडर अब्ज ऑप्शन उसमें प्लस हो जाता है अंडर अब्ज ऑप्शन कॉस्ट अकाउंटिंग वाला उसमें प्लस हो जाता है पी कहता है एड द अंडर ऑब्जॉर्बन ऑफ ओवर इन कॉस्ट अकाउंट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट सर ये तो गलत है क्योंकि जब मैं स्टार्ट करता हूं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से तो अंडर ऑब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंटिंग माइनस होता है ये तो ठीक है मतलब तो गलत है हमें तो बताना है द फॉलोइंग इज डन हम क्या करते हैं इसमें से सर बी तो नहीं करते ए करते हैं टी एट द ओवर ऑब्जॉर्ब ओवर इन कॉस्ट अकाउंट ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगेन याद करो जब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट तो कोई भी ओवर ऑब्जॉर्शन होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का तो हम उसको एड करते हैं लेकिन यह कह रहे हैं हम स्टार्ट अगर करें फाइनेंशियल अकाउंट से तो ऐड करते हैं तो सर ऐसा तो हम नहीं करते भी करेक्ट नहीं होगा ठीक है एड द ओवर ऑब्जॉर्न ऑफ ओवर एड इन कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट अगर मैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट करूं अगर तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलती है स्टेटमेंट तो ए जो है वो भी हम करते हैं तो है, वो भी हम करते हैं मेरी उम्मीद इंस्टीट्यूट से यह है कि अगर एग्जाम में आप इस तरीके का क्वेश्चन पूछें तो प्लीज इस तरीके के दो ऑप्शन आप सही ना दें आप इसमें से एक ही ऑप्शन सही दें ताकि बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो हालांकि यहां पे मैं आपको बता रहा हूं क्लियरली ए और डी दोनों ही स्टेटमेंट सही है आप अगर रिकॉन्सिलेशन का टॉपिक रिवाइज करेंगे आप इस चीज को बहुत सिक्स का आंसर दोनों है अगर मैं करेक्ट की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन कॉस्टिंग इज अप्लाइड इफेक्टिवली इन सिचुएशन। बैच कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग ऑप्शन कहान्युफेक्चरिंग में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में डिजाइनर क्लॉथ मैन्युफेक्चरिंग में या ऑइल रिफाइनिंग में तो अगर आप बैच कॉस्टिंग को रिवाइज करेंगे तो आप एनालाइज करोगे कि ड्रग मैन्युफेक्चरिंग में बैच कॉस्टिंग का एप्लीकेशन होता है और आप इसको बहुत इजीली प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो सिंपल सी बात यह है जब भी हम मार्केट से कोई ड्रग परचेज करके लाते हैं ड्रग का मतलब क्या होता है मेडिशन जब भी हम मार्केट से कोई मेडिशन परचेज करके लाते हैं टैबलेट्स वगैरह परचेज करके लाते हैं कोई भी सिरप वगैरह परचेज करके लाते हैं आप देखोगे हर एक पे बैच कोड लिखा हुआ होता है उसका मतलब ये होता है कि हमने ये जो सिरप बनाई है या ये जो टैबलेट की स्ट्रिप्स बनाई है वो इस बैच कोड में बनाई है मान लो एक स्ट्रिप में स्ट्रिप बोलते हैं पत्ता जिसमें काफी सारी टैबलेट्स आती है मान लो एक स्ट्रिप में टेन टैबलेट्स आती है और मैंने दो परचेज करी और जो शॉपकीपर है उसने वो दोनों स्ट्रिप मुझे एक ही बॉक्स में से एक ही डब्बे में से निकाल के दिए तो आप देखोगे उस पर बैच कोड सेम पड़ा हुआ होगा उस पर बैच कोड सेम पड़ा हुआ होगा लेकिन अगर आप एक महीने बाद दोबारा परचेज करने जाएंगे जरूरी नहीं है आपको सेम बैच कोड का ही टैबलेट मेडिशन मिले कारण क्या है सर वो अलग अलग बैचेज में प्रोडक्शन हो सकती है लेकिन एक साथ परचेज करके ला रहे एक बॉक्स में एक ही बैच कोड के आइटम डाले जाते हैं अलग अलग बैचेज के आइटम एक सिंगल बॉक्स में कभी भी नहीं डाले जाते तो बैच कॉस्टिंग कहां पे अप्लाई होता है इफेक्टिवली सर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में बैच कॉस्टिंग अप्लाई होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कहते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात करें तो वर्क कंप्लीटेड एंड नॉट येट सर्टिफाइड मतलब बात चल रही है वर्क अनसर्टिफाइड की आपको याद होगा आई थिंक वन इज वर्क सर्टिफाइड एंड वन इज वर्क अनसर्टिफाइड हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस की एडिंग डालते हैं बाई वर्क इन प्रोग्रेस और उसमें दो आइटम लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड इन द कंटेक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीटेड एंड नॉट येट सर्टिफाइड मतलब वर्क अनसर्टिफाइड विल बी शोन एट कॉस्ट प्लस टू थर्ड ऑफ द नॉशनल प्रॉफिट अंडर कंप्लीटेड वर्क सर अनसर्टिफाइड को कंप्लीटेड वर्क में आप नहीं दिखा सकते और उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता तो ए इज द रॉन्ग ऑप्शन B भी कहता है इट कॉस्ट प्लस नॉशनल प्रॉफिट सिंपल सी मैं बात करूं वर्क अनसर्टिफाइड में किसी तरीके का कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है लेस रिटेंशन मनी अंडर कंप्लीटेड वर्क और वो कंप्लीट भी नहीं होता बी इज ऑल्सो द रोंग ऑप्शन सी कहता है एट कॉस्ट अंडर कंप्लीटेड वर्क एट कॉस्ट तो ठीक लिखा है बट वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो कभी भी कंप्लीटेड वर्क में कवर नहीं होता एट कॉस्ट अंडर डब्लू आई पी अकाउंट दिस इज द करेक्ट आंसर कि वर्क अनसर्टिफाइड को हम डब्ल्यू अकाउंट में शो करते हैं और वो भी कॉस्ट बेसिस पे शो करते हैं तो वर्क अनसर्टिफाइड से रिलेटेड आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है सर एक तो उसको कभी भी कंप्लीटेड में में नहीं दिखा सकते WIP में शो किया जाता है और दूसरा उस पर आप कभी भी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आर्किटेक्ट ने उसको सर्टिफाई नहीं किया हुआ होता जिसकी वजह से वो कॉस्ट बेसिस पे शो किया जाता है डब्ल्यू अकाउंट में शो किया जाता है दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एट फाइनल आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर एट का डी डी आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये जो एट मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए हैं इनको आप रीड करके देखो अंडरस्टैंड करो याद करो ताकि आप एग्जाम में इजीली इनको अटेम्प्ट कर सको मैंने आपको करवाने में मे भी दस से पंद्रह मिनट लगवा दिए हूं लेकिन एग्जाम में करने में आपको आधा आधा मिनट लगेगा रीजन क्या है सर वहां पे तो theoretical अगर है मैं पढ़ूंगा मुझे आता है तो ठीक है नहीं आता तो उस सिचुएशन में मैं अपना कॉमन सेंस यूज करना चाहूं तो कर सकता हूं अदरवाइज नहीं आता तो फिर आंसर गलत होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं बट अगर आपने इन चीजों को पढ़ा हुआ होगा दो बार भी रिवाइज किया होगा अच्छे से आप इजिली इन क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते आठ एमसीक्यू पहले रिवाइज करो पढ़ के देखो किसी भी तरीके का कोई डाउट आए आप हमें कॉन्टेक्ट करके आंसर पूछ सकते हो उसके बाद में आगे करने नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर नाइन जो है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ए सर्टन प्रोसेस नीडेड स्टैंडर्ड लेबर ऑफ ट्वेंटी फोर स्किल्ड लेबर आवर्स एंड थर्टी अनस्किल्ड लेबर आवर्स कहते हैं एक सर्टन प्रोसेस हमें करनी है और स्टैंडर्ड ये सेट किया गया है कि स्किल्ड लेबर के ट्वेंटी फोर आवर्स और अनस्किल्ड के थर्टी आवर्स लगेंगे एट रुपीज सिक्सटी एंड फोर्टी रेस्पेक्टिवली एज द स्टैंडर्ड लेबर रेट्स और स्टैंडर्ड रेट्स भी आपको बताए हुए हैं कि स्किल्ड लेबर का सिक्सटी पर आवर का रेट होगा और अनस्किल्ड का फोर्टी पर आवर का रेट होगा एक्चुअली एक्चुअल actual में क्या हुआ ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव लेबर आवर्स वर यूज्ड

जिसमें आपको एक्चुअल आवर्स दिखाई दे रहे हैं स्टैंडर्ड रेट भी दिखाई दे रहा है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हमें कैलकुलेट करने होते हैं तो मैं यहीं पे आपको रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स की कैलकुलेशन करवा देता हूं दो तरीके के वर्कर हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड ये स्किल्ड और ये अनस्किल्ड रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स याद करो कैसे कैलकुलेट करते थे सर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब होता है टोटल जो एक्चुअल आवर्स है टोटल एक्चुअल आवर्स कितने हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मतलब फोर्टी फाइव टोटल जो आवर्स हैं फोर्टी फाइव आवर्स उनको स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड किया, मतलब किया जाता है अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो दिस रेशियो इज फोर इंसू फाइव का रेशियो है सिक्स से, से आप दोनों को डिवाइड कर सकते हो फोर इंस टू फाइव का रेशियो है तो सर फोर्टी फाइव को फोर इस टू फाइव के रेशियो में डिवाइड कर दो फोर और फाइव नाइन तो फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई नाइन मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी एक सेकंड चेक कर लेता हूं फोर्टी फाइव है ना ये और ये क्या था ये फोर इस टू फाइव था नाइन था सर फाइव डिवाइडेड बाई नाइन इंटू में फोर फोर्टी फाइव डिवाइड बाई नाइन इन टू में फोर आ गया ट्वेंटी आवर्स और इसका रेशियो है फाइव सर ये आ गया ट्वेंटी फाइव आवर्स फॉर्मूला होता है ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव सर जीरो हो जाएगा तो so आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा सी जीरो आपका आंसर आएगा सी जीरो अगर आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करना चाहें तो स्टेटमेंट ऑफ लेबर वेड बना के भी कर सकते हो बट एस एच एमसी की आर एस एच की ही जरूरत है रिवाइज एंड्रावर्स की वो आप इजिली कैलकुलेट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो दैट विल बी जीरो फाइनल आंसर आएगा सी जीरो दैट इज कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ वन मार्क्स इन फॉर एग्जाम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन अगेन थियोरिटिकल इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल द रिसोर्सेज कहते मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास सारे के सारे रिसोर्सेज हो इट नीड्स फॉर प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए मुझे मेनली अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल चाहिए लेबर चाहिए मशीनरी चाहिए अगर ये सब मेरे पास है तो मेरे पास इसका मतलब प्रोडक्शन के लिए सारे रिसोर्सेज हैं प्रिंसिपल बजट फैक्टर प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज नथिंग जो आप की फैक्टर जिसको बोलते हो जिसको आप लिमिटिंग फैक्टर बोलते हो जिसको आप क्रिटिकल फैक्टर बोलते हो बस ये नाम है आप क्रिटिकल फैक्टर कह दो लिमिटिंग फैक्टर कह दो की फैक्टर कह दो प्रिंसिपल बजट फैक्टर कह दो एक ही बात है कहते हैं अगर मैं कहूं कि मेरे पास प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उस सिचुएशन में प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज़ में फैक्टर क्या हो सकता है मतलब, रिलेटेड सारे रिसोर्सेज हैं तो क्या मेरी सेल की डिमांड पे कॉन्स्टेंट या फिर की फैक्टर नहीं हो सकता आंसर इज यस हो सकता है तो नॉन एग्जिस्टिंग तो नहीं होगा क्योंकि आंसर में बी बी रॉ मटेरियल लेबर सप्लाई जैसा कि मैंने कहा ये तो प्रोडक्शन से रिलेटेड रिसोर्सेज है तो इसका मतलब आपके पास रॉ मटेरियल भी पूरा है लेबर की सप्लाई भी पूरी है और सेल डिमांड सिचुएशन में आपका प्रिंसिपल बजट फैक्टर हो सकता है क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शन से रिलेटेड तो सारे रिसोर्सेज हैं बट सेल को रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन है या नहीं ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब सेल डिमांड इस सिचुएशन में आपका की फैक्टर होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं फाइनल आंसर विल बी बी कि अगर आप कहते हो सर प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज हैं तो सेल डिमांड आपका की फैक्टर हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन सिंपल क्वेश्चन है कॉस्ट यूनिट बतानी है आपको वो भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में क्या हॉस्पिटल में टन अप्लाई होता है क्या एक पेशेंट जब जाता है तो उसका वजन करते हैं कि भाई सब कितने टन हो और उसके हिसाब से हम कॉस्ट कर इन करेंगे आंसर इज नो क्या हॉस्पिटल में स्टूडेंट जाते हैं सर कोई भी जा सकता है किलोवाट आवर्स पावर के लिए होता है पेशेंट डे हॉस्पिटल में एक पेशेंट से एक दिन में क्या कॉस्टिंग इनकर हो रही है पेशेंट के लिए उसके अकॉर्डिंगली चार्ज किए जाते हैं तो कॉस्ट यूनिट जो होती है हो, हॉस्पिटल इंडस्ट्री की दैट इज पेशेंट डे फाइनल आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस ऑफ मटीरियल हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा मटेरियल का नॉर्मल लॉस होता है पहला है पिल फिरेज, पिल फिरेज का मतलब होता है चोरी होना एक तरीके से छोटी मोटी चोरी लेकिन क्या एक ऑर्गेनाइजेशन चोरी पहले से एज्यूम करके चलती है कि भाई इतना माल रखूंगा तो इतना तो चोरी हो ही जाएगा आंसर इज नो सर पिल अब नॉर्मल है लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट क्या हम एक्सीडेंट पहले से एज्यूम करके चलते हैं आंसर इज नो अब नॉर्मल होता है स हैंडलिंग ऑफ मटीरियल क्या मैं पहले से ही एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि मैं मटरियल को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करूंगा नुकसान हो जाएगा डी तो तो ही होगा नन ऑफ दीज क्योंकि तो पिलफरेज एक्सीडेंट और केयरलेस केयरलेस ये तीनों ही जो है ये अब नॉर्मल सिचुएशन को इंडिकेट करता है तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो कि नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल का एग्जाम्पल हो फाइनल आंसर आपका डी होगा नन ऑफ दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन आइडल टाइम इज टाइम स्पेंट बाई वर्कर्स इन फैक्ट्री आइडल टाइम की डेफिनेशन क्या होती है याद करो सर आइडल टाइम वो टाइम होता है जो वर्कर फैक्ट्री में तो दिखाई देता है लेकिन काम नहीं करता आइडल टाइम कौन सा टाइम है तो वर्कर फैक्ट्री में स्पेंड करता है हो सकता है टाइम स्पेंड वर्कर्स इन ऑफिस सर हो तो सकता है टाइम स्पेंड वर्कर्स ऑफ दियर वर्क ये ज्यादा करेक्ट है क्योंकि वर्कर फैक्ट्री में ऑफिस में टाइम जो बिताता है उसमें आइडल टाइम के साथ साथ वर्किंग टाइम भी हो सकता है लेकिन आइडल टाइम स्पेसिफिकली वो टाइम है जिसमें वर्कर काम नहीं करता तो ऑफ का मतलब होता है जब वो काम नहीं कर रहा तो टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स ऑफ दियर वर्क जब वर्कर काम नहीं करता उसको आइडल टाइम बोलते हैं टाइम स्पेंड बाई वर्कर्स ऑन दियर जॉब जब जॉब पे लगा हुआ है तो उसको आइडल टाइम बोलने का तो मतलब बनता ही नहीं है ई विल बी ऑर फाइनल आंसर सर जब वर्कर काम नहीं करता दैट इज नॉन एज आइडल टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वेयर हाउस एक्सपेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेयर हाउस एक्सपेंस किसका एग्जाम्पल है सर वेयर वेयरहाउसेज में माल क्यों रखा जाता है ताकि हम वहां से माल को डिस्ट्रीब्यूट कर सके तो क्या ये प्रोडक्शन ओवर का पार्ट है आंसर इज नो क्या ये सेलिंग ओवरेड का पार्ट है आंसर इज नो सर यहां से माल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसकी वजह से आपका फाइनल आंसर सी होगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवर में वेयर हाउस एक्सपेंसिस को कवर किया जाता है तो डी नन ऑफ द अबाउ की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें करेक्ट आंसर मिल चुका है सी विल बी द करेक्ट आंसर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टीट जब हम cost sheet बनाते हैं तो इनमें से कौन सा जो एक्सपेंसिस्टीट में नहीं आता कैरीज इनवर्ड आता है परचेज रिटर्न भी आ जाता है परचेज में से परचेज रिटर्न हम लेस कर सकते हैं सेल कमीशन भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है सर इंटरेस्ट पेड जो होता है वो कॉस्टशीट में हम कहीं भी नहीं लिखते ना वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और ना ही वो किसी ओवर का पार्ट होता है डी विल बी शीट में कहीं भी शो नहीं करते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो कि सर्विस इंडस्ट्री में अप्लाई होता है हॉस्पिटल्स इसको यूज करती है सिनेमा हॉल भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसको यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग भी इसको यूज करते हैं फाइनल आंसर इसका डी होगा ऑल ऑफ द अबाउ क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस इंडस्ट्री में चलता है हॉस्पिटल सिनेमा और ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग तीनों ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और तीनों में ही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाई होता है फाइनल आंसर डी ऑल ऑफ द अबाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इफ सेल्स आर रुपी नाइनटी थाउजेंड कहते हैं सेल है नब्बे हजार रुपए और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल इज सेवेंटी फाइव परसेंट तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा मैं जब भी आपको क्लासेज में क्वेश्चन करवाता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि सेल में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है इसका मतलब सेल्स के दो पार्ट होते हैं एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अगर वेरिएबल कॉस्ट पचहत्तर परसेंट है तो कॉन्ट्रीब्यूशन सेल का पच्चीस परसेंट होगा अगर आप कहते हो सर वेरिएबल कॉस्ट सेल का पचहत्तर परसेंट है तो बचा हुआ जो कॉन्ट्रीब्यूशन पच्चीस परसेंट सेल का होगा और अगर आप सेल कहते हो नब्बे तो नब्बे हजार का पच्चीस परसेंट बाईस हजार पांच सौ रुपया आपका उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा पी विल बी द करेक्ट आंसर बाकी आप मेहनत करना चाहो कर सकते हो कैसे सर पहले सेल्स है नब्बे हजार नब्बे हजार का पचहत्तर परसेंट निकालोगे सिक्सटी सेवन फाइव हंड्रेड तेल में से सिक्सटी सेवन फाइव हंड्रेड माइनस करूंगा बाईस हजार पांच सौ मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा इन तो। तो एनी केस नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले आप ये जो नाइन क्वेश्चन है इस पेज पे नाइन से लेकर सेवनटीन तक इसको रीड करो अंडरस्टैंड करो किसी भी तरीके अगर कोई डाउट लगता है क्लियर करो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फॉर्मूला याद करो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इन टू हंड्रेड और कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इसका मतलब पीवी रेशियो पे इंपैक्ट केवल और केवल तभी आएगा जब सेल्स या फिर वेरिएबल कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट आए तो पीवी रेशियो विल इंक्रीज कहते हैं पीवी रेशियो कब इंक्रीज होता है तो सिंपल सी मैं बात करूं या तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में इंक्रीज हो तो आपका पीवी रेशियो बढ़ेगा या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में डिक्रीज हो मतलब पीवी रेशियो तभी इंपैक्ट होगा जब सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर इंपैक्ट आएगा बढ़ेगा कब जब बेनिफिट होगा बेनिफिट कब होगा जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगा या फिर वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो पीवी रेशियो विल इंक्रीज इफ द देर इज ए डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट पीवी रेशियो का फिक्स्ड कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं होता तो ए भी नहीं हो सकता देर इज एन इंक्रीज इन फिक्स बी भी नहीं हो सकता क्योंकि और से, अगर सेलिंग प्राइस कम होगा तो पीवी रेशियो तो कम हो जाएगा देर इज ए डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हाँ अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होगी तो आपका पीवी रेशियो बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होगी तो इसका मतलब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा जब आपका न्यूमरेटर बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर भी ज्यादा आएगा पीवी रेशियो विल इंक्रीज इफ देर इज ए डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइनल आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन

तो वहां पे हम कैपेसिटी वाइज फंक्शन वाइज टाइम वाइज मास्टर बजट ये सब देखते हैं तो क्वेश्चन यहां पे जानना चाहता है सेल्स बजट किसका पार्ट है तो अगर आप ध्यान से याद रखोगे तो जब हम फंक्शनल बजट देखते हैं तो हम कहते हैं सर प्रोडक्शन बजट रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट रॉ मटेरियल परचेज बजट सेल्स बजट मैन पावर बजट कैश बजट ये सब किसका पार्ट होते हैं

फिक्स कॉस्ट होती है ऐसे कोई सोचने वाली बात नहीं कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ जब हम मटेरियल कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ परपीचुअल इन्वेंट्री जब हम फिजिकल स्टॉक करते हैं तो कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग परपीचुअल इन्वेंट्री का पार्ट होता है क्या यह एबीसी में होता है आंसर इज नो क्या एनुअल स्टॉक टेकिंग होती है कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग में आंसर इज नो

राइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जब हम आइडल टाइम का concept पढ़ते हैं इंप्लॉई कॉस्ट के टॉपिक में तो हम कहते हैं आइडल टाइम मे बी नॉर्मल और मे बी अब नॉर्मल और जब वहां पर हम अब नॉर्मल के एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हम कहते हैं अगर हमारे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है रॉ मटेरियल नहीं है और उसकी वजह से अगर वर्कर खाली बैठा हुआ है तो दिस इज नॉट ए नॉर्मल सिचुएशन इट इज कंसिडर्ड एज अब नॉर्मल सिचुएशन इट इज द पार्ट ऑफ अब नॉर्मल आइडल टाइम और जो भी पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ही कॉन्सेप्ट है अगर आपकी किसी भी वजह से कोई भी अब नॉर्मल कॉस्ट अराइज हो रही है दैट शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से जो आइडल टाइम होता है उसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज कंसिडर्ड अब नॉर्मल एंड इट शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल आंसर ए होगा चार्ज टू फैक्ट्री ओवर आंसर इज नो ड बाई रेट आंसर इज नो इग्नोर करते हैं नोट इग्नोर्ड सर चार्ज कर लेते हैं कॉस्टिंग पीएल में हम अपना लॉस दिखा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड अगेन इंप्लॉई कॉस्ट से रिलेटेड सर ओवर टाइम इज ओवर टाइम क्या होता है नॉर्मल वर्किंग आवर्स से अगर ज्यादा वर्किंग की जाए तो उसको ओवर टाइम बोला जाता है तो एक्चुअल आवर्स बींग मोर देन नॉर्मल टाइम अगर आप नॉर्मल टाइम से ज्यादा वर्किंग करोगे तो उसको ओवर टाइम बोलते हैं सर आंसर इज यस ए ही इसका करेक्ट आंसर है एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है ना कि से. Hours, ये तो उल्टा हो गया एक्चुअल उल्टा हो गया अगर एक्चुअल आवर्स वर्किंग आपकी ज्यादा हो नॉर्मल टाइम से दैट इज ओवर टाइम फाइनल आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द अलॉटमेंट ऑफ इटम ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज गोल्ड जब हम ओवर चैप्टर पढ़ते हैं तो हम वहां पर दो डेफिनेशन पढ़ते हैं एक होता है एलोकेशन और एक होता है अपोर्शनमेंट एलोकेशन में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई खर्चा है जो केवल और केवल एक सिंगल डिपार्टमेंट से रिलेट करता है तो उसको बोला जाता है एलोकेशन और अगर कोई खर्चा एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से रिलेट करता है तो दैट इज नॉन एज अपोर्शनमेंट यह कहता है सारा का सारा जो कॉस्ट है आइटम ऑफ कॉस्ट सेंटर अलॉट कर देते हैं द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट सेंटर बोलते हैं तो so, इसको बोला जाता है, A will be the correct answer. Cost apportionment में अलग अलग कई डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा का पूरा आइटम एक जगह नहीं जाता और ओवर एड तो ऑब्जॉर्ब रेट का कॉन्सेप्ट आ गया ऑफ द अबव की जरूरत नहीं है क्योंकि ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इन रिकॉन्सिलियशन स्टेटमेंट जब हम रिकॉन्सिलियेशन बनाते हैं एक्सपेंसेस एक्सपेंसिज शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स आर हम कहते हैं कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो किए जाते हैं कहते हैं उनको क्या करते हैं हम एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट बिल्कुल अगर आपने कोई खर्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखा दिए तो उसकी वजह से आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट हो गया कम तो उसको वापिस एड बैक कर लो तो ए तो करेक्ट आंसर है डिडक्ट करने का मतलब ही नहीं बनता इग्नोर क्यों करेंगे भाई एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट नहीं सर कॉस्टिंग के प्रॉफिट में से माइनस होता है करेक्ट तो जो आंसर है वो ये है कि अगर कोई खर्चे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखा चुके हो तो वो फाइनेंशियल के प्रॉफिट में आप बैक कर लोगे आपका रिकॉन्सिलेशन बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन डॉब कॉस्टिंग इज यूज इन जॉब कॉस्टिंग इनमें से कहां पे यूज होती है फर्नीचर मेकिंग में सर होती है मैं जाके बोलू दो बेड बना दो उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बन जाता है चार चेयर बना दो बना देता है बंदा रिपेयर शॉप बिल्कुल मैं अगर अपनी गाड़ी रिपेयर करने जाता हूं तो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से ही तो सामने वाला रिपेयर करता है वहां पे भी जॉब कॉस्टिंग चलता है प्रिंटिंग प्रेस मैं जो प्रिंट करवाऊंगा मैं अपना स्पेसिफिकेशन बताऊंगा तभी तो प्रिंटिंग वाला उसके अकॉर्डिंगली प्रिंट करके देगा यहां पे भी जॉब कॉस्टिंग चलता है तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर डी है ऑल ऑफ द अब टॉप कॉस्टिंग फर्नीचर मेकिंग में भी अप्लाई होता है रिपेयर शॉप्स में भी चलता है और प्रिंटिंग प्रेस में भी चलता है और आगे पढ़ लेते हैं और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन ए प्रोसेस एट थाउजेंड यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड आठ यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस करी ठीक है तो so, हम इंट्रोड्यूस करते हैं यूनिट्स वो केवल और केवल इनपुट में लिखी जाती है फाइव परसेंट ऑफ इनपुट इज नॉर्मल लॉस तो आठ हजार यूनिट है उसमें से पांच परसेंट आपका नॉर्मल लॉस हो जाता है नॉर्मल लॉस की भी अगर मैं बात करूं तो हम आउटपुट में तो लिखते हैं बट नॉर्मल लॉस को हम पहले से ही एज्यूम करके चलते हैं कि इससे कोई यूनिट नहीं बनेगी तो मटीरियल लेबर ओवर किसी भी तरीके की कोई यूनिट इससे जनरेट नहीं होती आठ हजार में से पांच परसेंट चार सौ यूनिट तो ये चली गई पच्चीस सेवेंटी सिक्स हंड्रेड यूनिट्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस सिक्सटी परसेंट कंप्लीट इज वन थाउजेंड यूनिट एक हजार यूनिट है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जो कि साठ परसेंट कंप्लीट है मतलब छ सौ यूनिट के इक्वल है वो छह सौ यूनिट के इक्वल है वो बच गई आपकी सिक्सटी सिक्स हंड्रेड यूनिट कहते हैं सिक्सटी सिक्स हंड्रेड कंप्लीटेड यूनिट आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस में हम वही तो यूनिट ट्रांसफर है, करते हैं जो कंप्लीट है

नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इफ सेल्स आ रुपी वन लैक फिफ्टी थाउजेंड सेल है डेढ़ लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट आपका पचास हजार रुपए है तो पी वी रेशियो क्या होगा तो सिंपल सी बात है सर सर डेढ़ लाख अगर आ सेल्स है वेरिएबल कॉस्ट पचास हजार है तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका एक लाख है क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स तो सर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर एक लाख है और सेल अगर आपकी डेढ़ लाख है तो ये सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट मेरा आंसर आएगा Final answer आपका ए होगा 66 .66%. तो देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो वही है कि आपने अगर रिविजन किया हुआ है आपको चीजें याद है तो आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो थ्योरिटिकल का ये है आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इजीली थ्योरी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है अ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज फिफ्टीन थाउजेंड स्टैंड कॉस्ट है पंद्रह हजार वाइल था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज है सोलह मटेरियल कॉस्ट वेरियंस क्या होगा सर मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल ही हुआ करता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ही होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट है पंद्रह हजार और एक्चुअल कॉस्ट है अगर सोलह दो सौ तो सर ये बारह सौ रुपए आपका नेगेटिव आएगा मतलब एडवर्स फाइनल आंसर होगा आपका बारह सौ एडवर्स ए विल बी और करेक्ट आंसर बारह सौ रुपए एडवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर ऑब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर यूनिट देखो तो हम जब कॉस्ट शीट वगैरह के क्वेश्चन करते हैं तो कई बार लिखा हुआ होता है कि सेलिंग ओवरहेड हमें दो रुपए पर यूनिट लिखना है मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट बेसिस पे हो सकते हैं परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट जब हम जॉब कॉस्टिंग वगैरह पढ़ते हैं तो हम वहां पर कहते हैं कि भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या तो वर्क कॉस्ट का इतना परसेंट ले लेना या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इतना परसेंट ले लेना मतलब परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट के बेसिस पे भी ये चार्ज किया जा सकता है परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट सर जब आप कॉस्ट शीट ही पढ़ते हो तो कॉस्ट शीट में भी आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जहां पे लिखा हुआ होता है सेलिंग ओवर पंद्रह परसेंट ऑफ सेल्स लेना है 15 परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस लेना है इसका मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेलिंग प्राइस का भी परसेंटेज हो सकता है इसका मतलब तीनों ही हो सकते हैं तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो डी होगा एनी ऑफ द अबाउट सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट पर यूनिट भी रेट हो सकता है वर्क कॉस्ट के परसेंटेज के तरीके से भी उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है और सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंगली भी उसको परसेंटेज में इंडिकेट किया जा सकता है एनी ऑफ द दर्टी टू थर्टी टू है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन एंट्री विल बी पास्ट अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर परचेज ऑफ स्टोर ऑन क्रेडिट

तो आप यूनिट इंट्रोड्यूस करते हो वो तो इनपुट होती है अब कहते हैं फाइव परसेंट ऑफ इनपुट इज नॉर्मल लॉस अब आठ सौ में से पांच परसेंट मतलब चालीस यूनिट तो नॉर्मल लॉस है चालीस यूनिट तो चली गई बची 760 सिक्सटी यूनिट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस सिक्सटी परसेंट कंप्लीट है सो यूनिट है तो सर 100 तो का 60 परसेंट साठ यूनिट तो ये है और 660 यूनिट आपने कंप्लीट करके आगे ट्रांसफर कर दी है सर ये हो गया, 660 यूनिट 800 में से 5% परसेंट तो ये चला गया था बच्ची थी 760, 760 में 100 ये 660 ये तो टोटल 760 बन गया सर मेरा इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आएगी 720. तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट और जो अभी अभी हमने किया है सेम क्वेश्चन है थर्टी थ्री और ट्वेंटी एट बस ट्वेंटी एट में एक हजार यूनिट आप वो आठ हजार यूनिट इंट्रोड्यूस थी उसके अकॉर्डिंगली डेटा दिया गया और थर्टी थ्री में बस एक एक जीरो कम करके आपको डेटा दे दिया ट्वेंटी एट में सेवेंटी टू हंड्रेड आंसर था तो थर्टी थ्री में सेवन ट्वेंटी आंसर आ गया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ब्लैंक डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड हमें यह बताना है कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड से रिलेट करता है तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री होता है जो कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड के साथ डील करता है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सीएएस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको सारे के सारे सीएएस 1 से लेकर 24 तक नाम और नंबर याद होने चाहिए ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे सको सी एस थ्री इज द रिलेटेड टू प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड आगे बढ़ने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 34 तक जो मैंने अभी करवाए हैं एक बार आप इनको रीड करके देखिए अंडरस्टैंड कीजिए किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम लगती है तो क्लियर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव देयर इज ए लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मतलब लॉस लिखा हुआ है एज पर फाइनेंशियल अकाउंट दस हजार छ सौ का ये लॉस लिखा हुआ है एज पर फाइनेंशियल अकाउंट दस हजार छ सौ का डोनेशन नॉट शॉन इन कॉस्ट अकाउंट छ हजार डोनेशन जो कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में शो नहीं करा इसका मतलब अकाउंटिंग में आप लेस करके और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग पे पहुंचते हैं राइट तब पहुंचूंगा मैं सर ये डोनेशन जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेस करके आया हूं तो अगर मैं इसको एड कर दूंगा ध्यान देना ये दस हजार छह सौ लॉस है मतलब नेगेटिव फिगर है अगर मैं डोनेशन को वापस एड बैक कर दूंगा छह हजार को पॉजिटिव फिगर रखूंगा तो इसका मतलब लॉस बच जाएगा का तो आपका फाइनल आंसर होगा वो भी लॉस है सी विल बी योर फाइनल आंसर लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट विल बी शोन एज फोर्टी सिक्स हंड्रेड लॉस नेगेटिव है ये एक तरीके से लॉस कहलाएगा दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ थर्टी फाइव सी लॉस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स होटल हैविंग रूम्स ऑफ आर नॉर्मली ऑक्यूपाइड इन समर एंड इन विंटर मतलब समर सीजन में सौ में से अस्सी रूम ऑक्यूपाइड रहते हैं और विंटर में पच्चीस पीरियड ऑफ समर एंड विंटर बी टेकन है सिक्स मंथ ईच मतलब छ महीने का समर पीरियड मानो छ महीने का विंटर एंड नॉर्मल डेज इन ए मंथ थर्टी मतलब छ महीने में एक सौ अस्सी occupied रूम डेज विल बी तो सर सिंपल सी बात है समर ये है सो रूम में, में से अस्सी ऑक्युपाइड रहेंगे जबकि विंटर में केवल पच्चीस ऑक्युपाइड रहेंगे ये तो हो गए रूम क्वेश्चन रूम डेज जानना चाह रहे तो डेज से मल्टीप्लाई कर लो सर एक सौ अस्सी दिन समर पीरियड के और एक सौ अस्सी दिन विंटर के कैसे छह छह महीने तीस तीस दिन सर मल्टीप्लाई करके इसका एडिशन कर लो 80 इंटू वन सर फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड और ट्वेंटी फाइव इंटू वन सर फोर्टी फाइव हंड्रेड टोटल आ गया इसका एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड रूम डेज विल बी योर फाइनल आंसर एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड बी

पीवी रेशियो सेल्स मेरे पास गिवन है तीन लाख रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है नाइन्टी थाउजेंड प्रॉफिट है सिक्सटी थाउजेंड तो सर यहां से पीवी रेशियो आपको पता चल गया तो कि फिफ्टी परसेंट आ रहा है पीवी रेशियो फिफ्टी परसेंट ही आपका फाइनल आंसर होगा इसके बाद फिर से <coughs> इसके बाद फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हो थर्टी एट मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो द फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को वेरिएबल फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल में क्लासीफाई करते हैं एंड इट इज ए पार्ट ऑफ बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन तो इसका जो आंसर है वो तो होता है सी बिहेवियर वाइज क्लासीफिकेशन एलिमेंट वाइज होता है मटीरियल लेबर ओवर फंक्शन वाइज

ये चार में से कौन सा इसका बेनिफिट नहीं है वो हमें बताना है क्या बजट बनाने से मैनेजर्स मोटिवेटेड होते हैं सर आंसर इज यस एनहांस्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ होम एक्टिविटीज सर येस कोऑर्डिनेशन भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बेटर होता है इंप्रूव्ड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन यस एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन भी बेटर होता है मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट बनाने से तो हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं कहते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि बजट तो एस्टिमेशन बेसिस पे होता है और उसका एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई रिलेशन भी नहीं है मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए बजट डी विल बी योर फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी ज्वाइंट कॉस्ट इज ए सुटेबल फॉर ज्वाइंट कॉस्ट कौन सी इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑर्नामेंट के लिए ऑयल के लिए या फर्टिलाइजर के लिए सर ऑयल के लिए एप्लीकेबल होता है क्योंकि क्रूड ऑयल वगैरह से पेट्रोल भी बनता है डीजल भी बनते हैं और जॉइंट कॉस्ट वहां पे अप्लाई किया जाता है जब एक प्रोसेस से हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना पाते हैं जॉइंट कॉस्ट इज सुटेबल फॉर ऑयल इंडस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग रिकॉर्ड इनमें से कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है बिन कार्ड सर बिन कार्ड तो स्टोर कीपर मेंटेन करता है अकाउंटिंग से कोई मतलब नहीं है बिल ऑफ मटेरियल ये तो बिल है स्टोर लेजर स्टोर लेजर इज ए स्टेटमेंट विच इज बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सर स्टोर लेजर इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड रन ऑफ दीज की जरूरत नहीं है क्योंकि सी हमें फाइनल आंसर मिल चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू टाइम एंड मोशन स्टडी जो मेंटेन की जाती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सा डिपार्टमेंट करता है सर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है टाइम एंड मोशन स्टडी करना कि किस जॉब के लिए क्या टाइम अलॉट किया जाए किस पर्सन को क्या काम अलॉट किया जाए ताकि वो उसको कम से कम टाइम में कर सके दैट इज बेस्ट तरीका फाइंड आउट करना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ये काम होता है नेक्स्ट फोर्टी थ्री टाइम कीपिंग रेफर्स टू टाइम कीपिंग में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्कर ने कितना काम जॉब पे किया कितना वो खाली बैठा रहा ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं तो टाइम स्पेंट बाई वर्कर्स ऑन देर जॉब हाँ जानने की कोशिश तो करते हैं टाइम स्पेंट बाई वर्कर्स इन ए फैक्ट्री हाँ ये भी जानने की कोशिश करते हैं टाइम स्पेंट स्पेंड वर्कर्स विदाउट वर्क सर ये भी टाइम स्पेंट बाई वर्कर्स ऑन देर जॉब ए और डी तो सेम ही लिखा हुआ है बट हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो बी है वो कहता है टाइम स्पेंट बाई वर्कर्स इन फैक्ट्री अब फैक्ट्री में जो वो टाइम बिताता है

नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी फोर रॉयल्टी पेड ऑन सेल एन थाउजेंड एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस रिलेटेड टू प्रोडक्ट ट्वेंटी टू थाउजेंड क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सपेंस जानना चाह रहा है रॉयल्टी पेड ऑन सेल भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस रिलेटेड टू प्रोडक्ट भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं बस दोनों का एडिशन कर लो एटी नाइन प्लस ट्वेंटी टू वन लैखन था आंसर पी इज योर करेक्ट आंसर वन लैखन थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट डज नॉट मीट द टेस्ट ऑफ मटीरियलिटी कहते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि मटीरियलिटी टेस्ट को मीट नहीं करते मटीरियलिटी टेस्ट को मीट नहीं करने का मतलब एक नेगलिजिबल फिगर होना मतलब कोई डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा हो गया दो रुपए का पांच रुपए का और जो कि मेरे लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है कैन बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ ओवरहेड बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ ओवर एड ए विल बी ओर फाइनल आंसर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस जो एक नेग्लिजिबल अमाउंट है सिंपल सी बात करूं क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है आप उसको ओवर एड ट्रीट कर सकते क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स वेन द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर ऑब्जॉर्ब सिग्निफिकेंट इट शुड बी डिस्पोज ऑफ बाइक अंडर और ओवर एब्जॉर्शन की अमाउंट सिग्निफिकेंट होती है इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छी अमाउंट होती है तो हम सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करते हैं और उस रेट के थ्रू वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफरिंग टू कॉस्टिंग पीएल इज नो यूज ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर इज यस कैरी ओवर एज डेफर चार्ज टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आंसर इज नो टन ऑफ जरूरत नहीं है क्योंकि बी इज द करेक्ट आंसर जब अंडर और ओवर एब्जॉर्शन सिग्निफिकेंट होते हैं सप्लीमेंट्री रेट निकाल के हम उसको डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन चार्जिंग टू ए कॉस्ट सेंटर दोज ओवर हेड दैट रिजल्ट सोलली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कॉस्ट सेंटर अभी तो हमने पढ़ा एलोकेशन होता है अगर एक खर्चा एक ओवरहेड का खर्चा केवल और केवल एक सिंगल सोनली मतलब एक सिंगल डिपार्टमेंट से कॉस्ट सेंटर से रिलेट करता है तो उसको एलोकेशन बोला जाता नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर 48, एट 21 स्टैंड्स फॉर याद करो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड होता है कैपेसिटी डिटरमिनेशन, कैपेसिटी डिटरमिनेशन नो स नो नन ऑफ दिज सर सी एस ट्वेंटी वन तो क्वालिटी कंट्रोल का होता है जो कि इसमें से कुछ भी नहीं है तो फाइनल आंसर विल बी डी नन ऑफ दीज हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन स्टैंडर्ड्स डील्स विद डेटर्मिनेशन ऑफ एवरेज और इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट याद करो सी एस फाइव होता है तो हमें एवरेज और इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाता है इसका फाइनल जो आंसर है होगा सी एस फाइव सी एस फाइव विल बी द फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी। डील विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट सर सी एस सिक्सटीन होता है तो कि डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट से रिलेट होता है और तो फाइनल आंसर विल बी डी टी ए एस 16 फाइनल आंसर विल बी सी टी ए एस 16 बस आज का टारगेट यही था मेरा 50 तक एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करना ताकि आपको एक बार जो आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है उसमें से जो भी हमारे एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह आते हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकोइज काफी सारे अभी और हैं जैसा कि मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया 164 सिक्सटी फोर तो एमसी क्यूज है उसके बाद मैच द फॉलोइंग भी है ट्रू फॉल्स भी है फिल इन द ब्लैंक्स भी है एक साथ मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं यहाँ पे कि मेरा टारगेट क्या है आपको चीजों को रिवाइज करवा देना एक तरीके से साथ के साथ ये ये था मैं चाहता तो इस सवा घंटे के दौरान जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करवाए हैं मैं चाहता तो इस सवा घंटे के दौरान आपको वन सिक्सटी भी एम कंप्लीट करवा सकता हूँ बट मेरा टारगेट ये है कि आप ये चीजें दोबारा खुलो नहीं एक बार करवा दिया आपको चीजें याद रहनी चाहिए लास्ट जो मैंने अभी आपको दो पेजेस करवाए हैं वो भी आप एक बार रीड करके देख लीजिए ताकि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए और किसी भी तरीके का अगर किसी भी क्वेश्चन में फिर भी कोई दिक्कत लगती है आप कांटेक्ट करके अपना डाउट मुझसे क्लियर कर सकते रिपीट करके देखो एक बार उट फोर टूडे क्लास आज की क्लास में हमने 50 एम सी क्यूज आएंगे। साथ में अगर आज आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप उस टॉपिक को भी रिवाइज करके आए ताकि आपको आगे के एमसी क्यूज समझने में आसानी होगी थैंक यू ऑल द बेस्ट